नमस्कार दोस्तों, मैं राजन तिवारी आप सभी लोगों का मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप मुझसे और मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे दी गई सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए तथा साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज हम बात करने वाले हैं 18 मई को आने वाली वैशाख पूर्णिमा की। वैशाख पूर्णिमा को यानी इस पूर्णिमा को हम बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसी दिन भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और अगर हिंदू शास्त्र की माने तो भगवान बुद्ध जो है विष्णु के नवे अवतार हैं और इसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। और साथ ही इसी दिन भगवान कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को विनायक की पूर्णिमा का व्रत का महत्व बताकर उस व्रत को करने के लिए कहा था और इसी व्रत के प्रभाव से सुदामा की निर्धनता दूर हुई थी। तो जो व्यक्ति इस दिन पूजा अर्चना करता है, इस दिन व्रत रखता है, उसके जीवन में भी जितनी भी निर्धनता है, जितनी भी दरिद्रता है, वो दूर हो जाती है, ऐसा माना जाता है। तो ये तो हुई शास्त्रों वाली बात। अब हम बात करते हैं कुछ ज्योतिषी की कि ज्योतिष के अनुसार इस पूर्णिमा को क्यों खास माना जाता है। तो इस दिन सूर्य और चंद्रमा सम सप्तम होते हैं और साथ ही इस दिन सूर्य अपनी उच्च राशि मेष और चंद्र अपनी उच्च राशि तुला में होते हैं, जिसके कारण मनुष्य को सूर्य और चंद्र की शुभता का लाभ मिलता है। ये तो हो गया बुद्ध पूर्णिमा और वैशाख पूर्णिमा का महत्व। जैसे कि आपको पता है कि हमारे सनातन धर्म में किसी भी त्यौहार या किसी भी पर्व पर दान देने का बहुत ही महत्व है। बिना दान के कोई भी पर्व या कोई भी त्यौहार अधूरा रहता है। तो हम जानते हैं कि वैशाख पूर्णिमा पर या बुद्ध पूर्णिमा पर ऐसे कौन से दान दिए जाए जिससे हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति हो। तो चलिए जल्दी से नोट कीजिए कि कौन कौन से वो दान हैं जिसके द्वारा हम हमारे जीवन में सभी सफलता या सभी ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला दान है जल दान या जल से भरे घड़े का दान करना चाहिए। अब वो घड़ा आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप वो कौन से धातु का लेके आए। आप सोने का भी ला सकते हैं, चांदी का भी ला सकते हैं, तांबे का भी ला सकते हैं या मिट्टी का भी ला सकते हैं। आप मिट्टी का घड़ा अगर दान करते हो तो वो भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि गर्मियों के दिन में शीतल जल बहुत ही काम का होता है, इसलिए आप मिट्टी के घड़े का में पानी भरकर उसको दान कर सकते हैं। आप गरीब लोगों को भोजन का दान कर सकते हो, पंखे का दान कर सकते हो, छाते का दान कर सकते हो। शास्त्रों में तो ऐसा भी माना गया है कि इस दिन यानी वैशाख पूर्णिमा को अगर आप गरीबों को भोजन और बस दान करते हैं तो गोदान के बराबर यानी गौ का दान करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। अगर इस दिन आप शहद और तिल का दान करते हैं तो आपके जीवन के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन आप अन्न का दान कर सकते हो, शक्कर का दान कर सकते हो और हाँ, आप पेड़ भी लगा सकते हैं क्योंकि ये भी छायादार होता है, इसलिए आप पेड़ भी लगा सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें कि अगर आप पेड़ लगाएं तो आप उसकी सेवा भी करें, ऐसा नहीं पेड़ लगा के छोड़ दिया और वो कुछ दिन बाद ही वो सूख गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप चाहे तो किसी गरीब की छत भी बनवा सकते हैं। मान लीजिए किसी गरीब का घर बन रहा है, उसके पास इतना पैसा नहीं कि वो छत बनवा सके, तो आप उसमें अपनी मदद कर सकते हैं। ये नहीं कह रहे कि आप पूरा छत ही बनवाई, कुछ भी जो आपसे मदद हो सकती है आप वो मदद कर सकते हैं। किसी विद्यार्थी को बुक, पेन या कॉपी का भी दान कर सकते हैं। ये सभी दान बहुत ही महत्वपूर्ण दान हैं और इन दानों का फल आपको अवश्य ही प्राप्त होता है अगर आप वैशाख पूर्णिमा को ये दान करते हैं। वैसे दान करना कभी भी निरर्थक नहीं होता, हमेशा दान करना अच्छा ही होता है, लेकिन कुछ खास दिन होते हैं उसमें दान का बहुत ही अधिक महत्व होता है और उसका पुण्य फल हमें कई गुना मिलता है। इसलिए अगर आप वैशाख मास की पूर्णिमा पर ये दान करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर बहुत ही अच्छे फल की प्राप्ति होगी और आपकी सभी मनोकामना पूरी होगी। तो कैसा लगा आपको वीडियो और इसमें दी गई जानकारी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा।